छत्तीसगढ़ में चुनाव शोर थमने के बाद प्रत्याशी अब अपने देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के ही प्रत्याशी अपने अपनी आस्था के अनुसार भगवान भरोसे हैं। कोई महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा है तो कोई शक्ति पीठों की यात्रा पर है। कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अपने पैतृक गाँव में देवी देवताओं की विशेष पूजा भी की और सभी मनोकामना जीत की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मां महामाया के दर्शन किए। वहीं रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल राजीव में भगवान राजीव लोशन मंदिर पहुंचे। उन्होंने दुधाधारी मठ जाकर महंत राम सुंदर दास का भी आशीर्वाद लिया और राम सुंदर दास रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद बैज अपने परिवार को लेकर उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। इनके अलावा कोटा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लकमा ने तेलंगाना में भद्रचलम पहुंचकर दर्शन किए। वैशाली नगर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर भी उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। तखतपुर से बीजेपी प्रत्याशी विधायक धर्मजीत सिंह ने मैहर में मां शारदा के दर्शन किए। इनके अलावा बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी रामविचार नेताम ने रामानुगंज में बूढ़ा देव के दर्शन कर जीत की कामना की। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी के प्रत्याशी अरुण साव ने अपने जन्मदिन पर मां महामाया देवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसी दौरान वो दुधाधारी मठ पहुंचे और महंत राम सुंदर दास के पैर छूकर जीत का आशीर्वाद मांगा। बता दें कि केसकाल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संत राम नेताम ने भी हरिद्वार के मंदिरों और आश्रम में हाजिरी लगाई और इस तरह से सभी प्रत्याशी नेता भगवान के दरबार में पहुंचे। वेयर ऑल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।